मार्ग शीर्ष मास का मतलब है मार्ग माने रास्ता और शीर्ष माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो शास्त्र की दृष्टि से, महापुरुषों के विचार से अनुगत होकर अगर हम विचार करते हैं तो जीवात्मा को भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने प्रभु को, भगवान को प्राप्त कर लेना, यही जीव का लक्ष्य है। और ये भक्ति का मार्ग ही मार्ग शीर्ष है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि सभी आचार्यों ने भक्ति के मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है। आत्मकल्याण के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए, भगवान के पादारविंद को प्राप्त करने के लिए वेदों में, पुराणों में अनेक प्रकार के मार्ग बताए गए। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग बताया गया कि ज्ञान के द्वारा अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करके परमात्मा को जीव प्राप्त कर लेता है। अविद्या क्या है? बोले अविद्या ही सारी सृष्टि का मूल है। अज्ञान ही सारी सृष्टि का मूल है। अविद्या के द्वारा ही परमात्मा सारी सृष्टि को प्रकट करता है। उसी अविद्या को दूसरे शब्दों में माया कहा गया है। माया ही अविद्या है और इस अविद्या से मुक्ति के लिए विद्या की जरूरत है, अर्थात ज्ञान। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। वेद कहता है कि अविद्या के द्वारा मृत्यु का तरण करके विद्या के द्वारा हम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान के द्वारा अविद्या का छेदन करके, अविद्या को विनष्ट करके जीवात्मा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है और साधना होने के बाद भी वो ज्ञान दृढ़ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और थोड़े से चूक गए तो ज्ञान मार्ग से जब पतन होगा तो कोई बचा नहीं सकता। हमारे संत जन कहते हैं ज्ञान मार्ग क्या है? बोले जैसे किसी रास्ते पर तलवारें बिछा दी जाएं, धारदार तलवार बिछा दी जाए और कहा जाए इस पे चलो और इस मार्ग पर चल करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, तो उस तलवार बिछे हुए मार्ग पर चलना कितना कठिन है कि थोड़े से चूक जाओ तो पैर कट जाए और अगर गिर पड़े तो जहां भी शरीर में लगे तो शरीर कट जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। ज्ञान का जो पंथ है वो कृपाण की धारा है। तलवार बिछी है उस पे चलना है, बड़ा कठिन है। और ज्ञान में एक समस्या यह भी है कि ज्ञान मार्ग में जीव को अभिमान बड़े जल्दी आ जाता है और ज्ञान मार्ग में अभिमान आने पर बोले तब तो और पतन होता है। चारों वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान बिमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी।
ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। श्रीमद् रामचरितमानस में उत्तरकांड में भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया तो चारों वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करने के लिए आए, और उस प्रसंग में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चारों वेदों ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा, प्रभो जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के मान में विमत होकर आपकी भक्ति का निरादर कर देते हैं अभिमान में आकर। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, सुर दुर्लभ पद को प्राप्त करने के बाद भी उनका पतन हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, पहले तो इस मार्ग पर चलना कठिन, और चलने के बाद अगर कुछ चल लिए तो अभिमान आ जाए तो फिर पतन का भय। तो दूसरा मार्ग क्या है? तो दूसरा मार्ग कर्म का मार्ग है। गीता में भगवान ने कर्म मार्ग का भी निरूपण किया। कर्म से जीव अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। कैसा कर्म? बोले वेदोक्त कर्म। आजकल लोग सहज कह देते हैं कि गीता में तो भगवान ने कर्म का वर्णन किया है, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन विचार करना पड़ेगा कि गीता में भगवान ने किस कर्म की चर्चा की है। खाना कमाना सो जाना बेटा बेटियों को पाल पोस लेना अपनी घर गृहस्थी चला लेना, इतना ही कर्म नहीं है? जिस कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है वो कर्म मार्ग है। और कर्म मार्ग क्या है? बोले जिस वर्ण में जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो जो व्यक्ति जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ और अपनी अवस्था के अनुकूल उसका जो आश्रम है, उस वर्ण और आश्रम के अनुकूल जो शास्त्रोक्त विधियां हैं उन विधियों का समुचित पालन करना ही कर्म है। अब इसकी व्याख्या करें तो बड़ा लंबा विषय होगा, प्रसंग आएगा। ब्राह्मण अगर व्यक्ति है तो ब्राह्मण के लिए शास्त्र में जो धर्म बताए गए उन धर्मों का वो निष्काम भाव से पालन करे। क्षत्रिय कुल में भगवान ने जन्म दिया तो क्षत्रियों के लिए वेद विहित शास्त्र विहित जो आचरण है वो उसका धर्म। गृहस्थ आश्रम में अगर है तो गृहस्थ के लिए जो धर्म है वो उसका कर्म है। सन्यासी के लिए शास्त्र जो विधान करता है वो कर्म उसका कर्म है। तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल जो वेदोक्त कर्म है उन कर्मों का निष्काम भाव से पालन करते रहना, ये कर्म मार्ग है। और कर्म मार्ग में जब व्यक्ति लगा रहता है तो वो कर्म ही उसको कर्म बंधन से मुक्त करता है। लेकिन कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। कभी कभी तो अपने कर्म को देख करके अपने ही कर्म से व्यक्ति को घृणा भी हो जाती है। उदाहरण अर्जुन का आप ले सकते हैं। अर्जुन क्षत्रिय है और अर्जुन का क्षत्रिय धर्म के अनुकूल कर्म क्या है? बोले युद्ध करना, यह उसका एक कर्म है। और भी कर्म है लेकिन यह युद्ध करना भी उसका कर्म है। और युद्ध के मैदान में क्षत्रिय के सामने शत्रु के पक्ष से अगर पिता भी आ जाए तो अपने पिता को मार देने में संकोच न करना, यह क्षत्रिय का धर्म है। और यह परिस्थिति अर्जुन के साथ उत्पन्न हो गई। जिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया था, गुरु द्रोणाचार्य ने पुचकार करके दुलार करके जिन्हें शास्त्र विद्या सिखाई थी, आज वही युद्ध के मैदान में शत्रु के पक्ष से खड़े हैं और अर्जुन को मारना है। अर्जुन अपने कर्म को ही देख करके भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते, अर्जुन कांपने लगा अपने कर्म को देखकर। अर्जुन कहता है कि बेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। हे कृष्ण, मुझे पसीना छूट रहा है,
रोमांच हो रहा है। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते, ये गांडीव धनुष मेरे कंधे से सरक रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कह करके अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। अपने कर्म से घृणा हो गई अर्जुन को। भगवान ने देखा, अरे ये तो कर्म मार्ग से च्युत हो रहा है, और भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। भगवान ने कहा, अर्जुन अपने कर्म का व्यक्ति को त्याग नहीं करना चाहिए। अपना कर्म अगर निंदित भी हो, ऐसे तो कर्म कभी निंदित नहीं है, हर व्यक्ति के लिए जो कर्म है वो कर्म उसके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये कर्म निंदनीय है, फिर भी अपने कर्म का त्याग मत करो। स्वकर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, अपने कर्म को देख करके भयभीत मत हो, उससे घृणा मत करो, उस कर्म को तुम करो। अब कितना कठिन है कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए और फिर उस कर्म को करना भी पड़े, कर्म मार्ग इतना कठिन है। शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, और इसके बाद भी अनेक प्रकार की बाधाएं, इसलिए कर्म मार्ग भी बड़ा कठिन है। और तीसरा मार्ग क्या है? बोले तीसरा मार्ग भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग पे चल करके जीव अपने गंतव्य परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकता है, और भक्ति का मार्ग सरल है, सबके लिए है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सबसे अंत में भक्ति मार्ग का उपदेश किया, यही मार्ग शीर्ष है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और इसी भक्ति मार्ग का पोषण करने के लिए, भक्ति मार्ग पर चल करके जीव किस प्रकार से परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाए, यही बताने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति को पुष्ट करने वाला ग्रंथ है। और श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से अनेक कथाओं को हम सुनकर भक्ति के रहस्य को, भक्ति के सिद्धांत को समझ पाते हैं, और तब भक्ति में हमारी निष्ठा दृढ़ होती है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने करुणा करके समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए 17 पुराण की रचना की, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया, कि वेदोक्त जो धर्म है उस धर्म को लोग सहज ढंग से समझ सके। 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण करने के बाद भी वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी के मन में हो रहा था, अभी कुछ और करना चाहिए मुझे। और फिर देवर्षि नारद आए, और नारद जी की प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी महाराज ने भक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दिव्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत का प्रणयन किया, इस ग्रंथ का निर्माण किया। ये वेद व्यास जी की अंतिम रचना है, इसके बाद श्री वेद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, अपनी वाणी को विराम दे दिया, अपनी लेखनी को विश्राम दे दिया। श्री वेद व्यास जी जैसा कवि कोई हुआ नहीं आज तक। 500,000 कविताओं की रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जगत में जितना ज्ञान विज्ञान है सब व्यास जी का उच्छिष्ट है। व्यास जी ने लिख करके जो छोड़ दिया है उसी को पढ़ करके सुन करके लोग कवि ज्ञानी और विज्ञानी हो जाते हैं, ऐसे श्री वेद व्यास जी महाराज।
श्री वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार में श्री वेद व्यास जी को 17वां अवतार स्वीकार किया गया। ये 17वें अवतार हैं और इस रूप में आकर के भगवान ने ही वेदों के सार को, वेदों के सिद्धांत को पुराणों के रूप में प्रस्तुत किया और सबसे अंत में सभी पुराणों का सार, सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में प्रकट करके इस जगत को, हमको, आपको प्रदान किया, जिस भागवत के माध्यम से हम लोग 7 दिनों तक सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। आज से लगभग 5117 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने बहुत बड़े सत्र यज्ञ का आयोजन किया। नैमिषारण्य बड़ा पवित्र तीर्थ है जहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं है।